दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अल्लू अर्जुन की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसे पैपराजीस वगैरह ने खींचा था। और इस तस्वीर को देखने के बाद बहुत सारे जो बॉलीवुड के फैंस हैं, ये अल्लू अर्जुन को मोटा, गेंडा, सांड, भद्दा, काला, पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाने लगे, गालियां देने लगे बेवजह। कुछ मतलब नहीं था उसमें, कोई सेंस नहीं था, लेकिन सिर्फ नफरत कि साउथ ऊपर जा रहा है और बॉलीवुड नीचे आ रहा है, तो ये बात लोगों को जम नहीं रही थी। और यही चीज़ शायद अल्लू अर्जुन ने भी देखी होगी कि भाई सारे मीडिया वेबसाइट पे मेरे बारे में और पैपराजीस ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। तो अल्लू अर्जुन अब दिखे एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए और पैपराजीस चिल्लाते रह गए, अल्लू सर, अल्लू सर, ये वो सब चिल्लाते रह गए, एक पोज दे देना। लेकिन अल्लू अर्जुन ने हाथ उठाकर बोल दिया, भाई ओके ठीक है, नहीं देना है, अभी निकल रहा हूँ, और अपनी फैमिली के साथ बैठकर गाड़ी में निकल गए। अब इसे लेकर फिर से मीडिया में बात कही जा रही है कि ये तो बड़ा घमंडी एक्टर है, हमने ठीक ही कहा था कि ये मोटा, भद्दा, गैंडा, सांड है। फिर कुछ बोल रहे हैं कि और चढ़ाओ इनको सर पर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा पोज नहीं देगा, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई साउथ के जो स्टार्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं देते हैं कि भाई होटल से निकल रहे हैं तो मीडिया वालों को बुला लो, या फिर खाना खा रहे हो तो मीडिया वालों को बुला लो, पोज देते हुए नज़र आओ, एयरपोर्ट पर जाओ, सलोन में जाओ, जिम में जाओ, तो इनको तस्वीरें देते रहो, हमेशा खाते पीते, हंसते नहाते, हर जगह इनको पोज देते रहो। ये बॉलीवुड वालों का काम है, इनको ही फुटेज की ज़रूरत होती है, साउथ के कलाकारों को फुटेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब तुम जबरदस्ती पीछे पड़ जाओगे तो कोई क्या ही करेगा। तो बॉलीवुड वालों से इन्हें कनेक्ट मत करो कि भाई अल्लू अर्जुन घमंडी निकला, ये निकला, वो निकला, और निकला तो निकला, तुम्हें इतना क्या फर्क पड़ता है। तुम जबरदस्ती दिन भर बेवजह माइक और कैमरा लेकर घुसे रहोगे और पीठ पीछे गालियां भी दोगे तो ये चीज़ें तो देखने को मिलेगी। और लेना ही है तो जाओ बॉलीवुड वालों का, लो, तो खड़े हैं बगल में कि भाई मैं कुत्ता घुमाने निकले हूँ, आ जाओ, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आ जाओ। ये उन्हें ज़रूरत है जिनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये ज़्यादातर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज यार भी बोलो, एक दो फिल्में कर लेती हैं और सेलिब्रिटीज़ बन जाती हैं, बस बाप दादाओं के नाम पर इनकी दुकान चल रही है, बाकी टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हिंदी तक बोलना इन्हें नहीं आता, हिंदी समझ में तक नहीं आती इन्हें ढंग से, लेकिन काम हिंदी फिल्मों में करती हैं। कैसे करती हैं सबको पता है। तो अल्लू अर्जुन को बेवजह ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है।